हेलो फ्रेंड्स, आई एम अप्रीति। वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लांट्स स्पेस। आज हम शेयर करेंगे गार्डन अपडेट। कुछ प्लांट्स में जो न्यू ग्रोथ हुई है वो आज आपसे शेयर करेंगे। टाइम टू टाइम रिजल्ट शेयर करना भी ज़रूरी है, जिससे जो टिप्स हम आपको दे रहे हैं वो वर्क करती भी हैं या नहीं ये भी दिखाना ज़रूरी है। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा पैशन फ्लावर प्लांट, जिसको पैसीफ्लोरा भी कहते हैं। इस पर अभी कुछ दिन पहले ही एक वीडियो शेयर किया है, इस पर कलियाँ नहीं आ रही थी। हमने ऐसा क्या किया जो इसमें कलियाँ बनने लगी? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको रिलेटेड वीडियोज़ मिल जाएंगी हर प्लांट की, तो ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा। तो इस तरह से हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ भी है और कलियाँ भी बनने लगी हैं और बहुत अच्छे से ये जो बेल है ये फैल चुकी है। सेकंड प्लांट है ड्वार्फ मधुमालती यानी रंगून प्लांट। ये प्लांट हमने रिपोर्ट करना बताया है, अच्छी सॉइल में नहीं लगा हुआ था। कैसे इसको रिपोर्ट किया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। इस पर भी कलियाँ बन गई हैं और इसमें भी फ्लावरिंग के लिए प्लांट तैयार है। फ्लावरिंग की वीडियो आगे आपसे शेयर करेंगे और आप देख सकते हैं कितने बड़े गुच्छे इसमें बनने के लिए तैयार हैं। छोटा प्लांट है तो ये नहीं है कि ये छोटी फ्लावरिंग देगा, तो हमारा प्लांट अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार है। आगे फ्लावरिंग की वीडियो इस पर आपको जल्दी ही मिल जाएगी। थर्ड प्लांट है हमारा एक्जोरा। एक्जोरा प्लांट की फ्लावरिंग को लेकर काफ़ी व्यूअर्स परेशान रहते हैं, येलो लीव्स हो जाती हैं। तो येलो लीव्स अगर हो रही हैं तो वो ओवर वाटरिंग की निशानी है, तो आप प्लांट पर ध्यान दीजिए। अगर डार्क कलर से लाइट कलर हो रहा है प्लांट का तो उसमें ओवर मॉइस्चर है, तो उसमें आपको ध्यान देना है। इस पर भी वीडियो शेयर की हुई है। ये सीजन की सेकेंड फ्लावरिंग है और आप देख सकते हैं हर ब्रांच पर इसमें कलियाँ बन रही हैं। कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जिस पर कलियाँ नहीं आ रही हैं। बहुत छोटी छोटी कलियाँ इस तरह से शुरुआत होती है, लेकिन फ्लावर्स काफ़ी सारे आते हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा प्लांट एक छोटे से पॉट में लगा हुआ है, लेकिन ढेर सारे फ्लावर्स देने के लिए बिल्कुल तैयार है। इसके बारे में भी आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट प्लांट है कॉसमॉस। कॉसमॉस को आप किसी भी सीजन में ग्रो कर सकते हैं। ये सीड से ग्रो होने वाला प्लांट है, आसानी से ग्रो हो जाता है। छोटे पौधे कहीं लगे हैं वहाँ से भी आप लेकर आ सकते हैं इसकी सीडलिंग्स। तो इस पर भी अभी सीड्स नहीं बन रहे हैं, कुछ प्लांट में सीड बन रहे हैं, अभी सीजन नहीं होता है इसलिए ज़्यादा सीड्स इसमें अभी नहीं बनते हैं। तो लास्ट ईयर के सीड्स हैं तो आप ग्रो कर लीजिए, जो कि आपको विंटर में फ्लावरिंग देंगे। नेक्स्ट प्लांट है ये शमी का, जिस पे फ्लावरिंग हो रही है। ये प्लांट हमने कटिंग से तैयार किया था और देख सकते हैं कितने ज़्यादा फ्लावर्स हैं। इस पर भी एक वीडियो शेयर की हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, ज़रूर चेक कीजिए। ये हार्डी प्लांट है, कटिंग से भी ग्रो हो जाता है, बेबी प्लांट से भी ग्रो हो जाता है, तो वीडियो ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है ये हरश्रृंगार, जिसको पारिजात शिवली कई नामों से जाना जाता है। ये हमने 2 साल पहले सीड से ग्रो किया था। सीड से ग्रो करने के बाद 1 साल में ही इसने फ्लावरिंग हमें दे दी थी और अब इसका ये सेकेंड ईयर है। इसके फूल दिन छिपने के बाद खिलते हैं और बहुत ही मीठी खुशबू आती है। तो थोड़ी देर बाद ये फूल पूरी तरह से खिल जाएंगे, तब ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लगेंगे और पॉट में ग्रो किया हुआ है। नेक्स्ट है टिकोमा, जो कि येलो फ्लावर्स येलो बेल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लांट ढेर सारे फ्लावर्स देता है, लगातार आपके गार्डन में ये येलो कलर के फ्लावर्स देता रहेगा। कुछ दिन रेस्ट करता है बहुत सारे फ्लावर्स देने के बाद और फिर से इसमें फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। और ये है प्लूमेरिया, जो कि लगातार ये भी हमें अप्रैल से फ्लावर्स दे रहा है। नेक्स्ट है ये हल्दी के प्लांट और अरबी, जो हमने ग्रो की थी एक ही कंटेनर में, ये एक क्रेट में लगी हुई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रिलेटेड वीडियो ज़रूर चेक कीजिए। मिर्ची के कुछ सीड्स हमने ऐसे ही ग्रो किए थे, इसमें भी रिजल्ट हमें मिल गया है। और ये नींबू हमारे यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि यूरेका लेमन है। ये हमेशा इसमें फल आते रहते हैं, ये बारहमासी एक तरह से फल है। तो देखिए ये तैयार हो चुका है, लेमन अपने आप टूट गया है और इस पर 2-3 फ्रूट हम पहले ही हार्वेस्ट कर चुके हैं इस पर से। और देखिए फ्लावर्स भी आ रहे हैं, बेबी लेमन भी हैं और तैयार हो चुका लेमन भी है। नेक्स्ट है ये जो रजनीगंधा के पॉट में लगाया हुआ, जो अपने आप ग्रो हो गया था, छुई मुई का पौधा। देखिए इस पर कितने ज़्यादा सीड्स बन चुके हैं, जबकि इसकी हम बिल्कुल देखभाल नहीं करते हैं और अपने आप ग्रो हुआ पौधा था ये। जो फर्टिलाइज़र ट्यूबरोज को रजनीगंधा को मिलता रहा, वही इसको मिलता रहा। और ये टायर प्लांटर वाली जो छुई मुई है, टचमी नॉट प्लांट, इस पर भी देखिए कितने सारे सीड्स बन रहे हैं। तो नेक्स्ट है ग्वावा प्लांट। इस अमरूद के पौधे को हमने कोशिश की है ग्रो करने की, क्योंकि बंदर काफ़ी ज़्यादा हैं, पता नहीं है फ्रूट्स मिल पाएंगे या नहीं, लेकिन कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है अलामांडा ब्लेंचेटाई, जो कि पर्पल अलामांडा है। लगातार हमें पूरा सीजन फ्लावर्स देता आया है, लगभग अप्रैल मई से ये हमें फ्लावर्स दे रहा है लगातार। नेक्स्ट है ये खरबूजा। अगर ये तैयार होता है तो आपसे आगे वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि सीजन अब जा रहा है, पता नहीं ये तैयार हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट है लोटस प्लांट, जो कि हमारे कुछ व्यूअर्स बहुत टाइम से कह रहे हैं लोटस प्लांट की अपडेट दीजिए। तो ये प्लांट देखिए कुछ इस तरह से है, जो पुरानी लीव्स हो जाती हैं वो इस तरह से बेकार हो जाती हैं, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। लीव्स काफ़ी सारी हैं, अब इसका डोरमेंट सीजन आने वाला है, फ्लावरिंग अभी तक हमारे प्लांट पर नहीं हुई है। और उसका एक कारण ये भी है कि ये प्लांट चिकनी मिट्टी में लगा हुआ नहीं है, बाकी हम गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं। पानी आपको नहीं दिख रहा होगा टब में, क्योंकि पूरे दिन हम पानी इतना नहीं रखते हैं, 1 से 2 इंच ही
ही पानी रखते हैं, जो कि पूरे दिन की धूप के बाद ये शाम तक सूख जाता है और शाम को फिर हम इसमें नया पानी ऐड कर देते हैं। इससे हमारे जो टब है इसमें मच्छर भी नहीं होते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि जो कमल है ये पानी से ही ग्रोथ करेगा, तो ऐसा नहीं है। कमल कीचड़ में खिलने वाला प्लांट है, बस आप हल्की नमी बनाकर रखिए और 1 से 1.5 इंच उसमें पानी रखेंगे तो जो प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। ये नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा ही पानी भर देना है, भर सकते हैं, लेकिन अगर कम पानी भी रखते हैं तो भी प्लांट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बस उसमें नमी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है रोज़ प्लांट, जो कि इसमें कभी कभी ब्लूमिंग होती रहती है, अभी सीज़न नहीं है, अब आने वाला मौसम गुलाब का ही है, इसीलिए अब आप अपने प्लांट की देखभाल करना शुरू कर दीजिए। वीडियो नंबर 219 आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा किस तरह से अब आने वाले मौसम में आपको इसकी देखभाल करनी है। तो ये इधर देसी सारे गुलाब लगे हुए हैं और ये क्लाइंबिंग रोज़ है, लता गुलाब, जो कि आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इस पर भी इसको ठीक करने पर भी वीडियो शेयर करेंगे। ये एक वाइट ओलियंडर है, जो कि सफ़ेद कनेर हमने कटिंग से ग्रो किया है, इस पर वीडियो शेयर नहीं की थी क्योंकि कनेर पर वीडियो हम ग्रो करना बता चुके हैं। और ये है कोचिया, जो कि अब सीड्स बनने के लिए तैयार हो रहे हैं, इस पर छोटी छोटी फ्लावरिंग होगी, इनका सीज़न भी लगभग जा रहा है। ये नेक्स्ट प्लांट है जूही का, जो कि जैस्मिन ऑरिकुलेटम है, इसमें भी बहुत ब्लूमिंग हुई है, इसका भी अब सीज़न जा रहा है क्योंकि सर्दियों में ये ग्रोथ नहीं करेगा। इस पर भी हमने ये गुट्टी बनाने की कोशिश की है, एयर लेयरिंग करने की, देखते हैं नया प्लांट तैयार होता है या नहीं। और इतनी ज़्यादा ब्लूमिंग इसने हमें दी है इस बार, बहुत ही ज़्यादा, जबकि ये लगभग 6 से 8 महीने पुराना प्लांट हमारे पास था, सर्दियों में ही हमने ग्रो किया था इसको और सीज़न में, फर्स्ट सीज़न में ही इसने हमें ढेर सारे फ्लावर्स दिए हैं। ये एक छोटी सी कटिंग से हमने बोगनवेलिया तैयार किया था, जो कि इसमें बहुत कम रूट्स थी, बहुत छोटी कटिंग थी, हमें ये गिफ्ट में मिली थी। और देखिए इसमें कितनी सारी शूट्स आ चुकी हैं, जितनी शूट्स होती हैं उतनी ही ज़्यादा ब्लूमिंग करता है और बहुत अच्छी ब्लूमिंग कर चुका है ये। और ये है जो रेन लिली, रेन लिली में भी बहुत अच्छी ब्लूमिंग हुई है, इसका भी अब सीज़न जा रहा है क्योंकि अब सर्दियाँ आएंगी, इसमें भी अब ग्रोथ कम ही हो पाएगी। और ये जो है बालसम गुल मेहंदी जिसको कहते हैं, ये भी बहुत सारी हमें ब्लूमिंग दे चुका है, फर्स्ट प्लांट और सेकेंड प्लांट जो है, ये सेकेंड कलर है जो कि नया कलर है इस बार, तो इस पर भी वीडियो शेयर की हुई है। एक्लिपा पर भी वीडियो शेयर किया है, देखिए इसमें न्यू ग्रोथ हुई है और न्यू शेड इसमें आ चुका है, तो वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है रैबिट ईयर प्लांट, जिसको जैमी माउथ भी कहते हैं, ये प्लांट हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ज़रूर ग्रो करना चाहिए क्योंकि इतने ज़्यादा फ्लावर्स देता है। ये भी हमने सर्दियों में लिया था और 8 महीने में ही इसने हमें ढेर सारे फ्लावर्स दिए हैं, जो कि नीचे भी झड़े हुए हैं, लगातार ब्लूमिंग करता है, बहुत सारे फ्लावर्स देता है। तो अगर आपको फ्लावरिंग प्लांट चाहिए जो बहुत सारे फूल दे, तो आप रैबिट ईयर यानी जैमीज माउथ आप ज़रूर ग्रो करिएगा। और ये हैं हमारे क्यू का मेलन, जो कि वीडियो इस पर शेयर कर चुके हैं और आज ही हार्वेस्ट किए हैं, देखिए कितने सारे मिल गए हैं, तो इनके सीड्स बनाने हैं हमें। तो इस तरह से वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो ज़रूर पूछिए, रिलेटेड वीडियोज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ज़रूर चेक कीजिएगा। थैंक यू।